कानपुर ईस्ट एक ऐसा शहर का कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण की बात करी जाए तो अपने आप में कई सारे महिलाओं को एकजुटता सिखाई है, बताई है क्या होता है, आखिर एकता क्या होती है, एकजुटता क्या होता है, महिला सशक्तिकरण, इसी कड़ी के साथ इस वक्त आज मेरा का जो स्पेशल कवर स्टोरी ब्रीफिंग है वो इनर वीव क्लब ऑफ कानपुर ईस्ट को लेकर है, जहाँ पे इस वक्त हम शुरुआत कराना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना इंट्रो देंगी, बताएंगी क्या खास अभी तक का उनको लाइफ में एक्सपीरियंस रहा और इस वक्त मौजूद हैं इनर वीव क्लब ऑफ कानपुर की कुछ यहां पे मेंबर्स जो हमें बताएंगी क्या-क्या खास है वन टू वन। मैम प्लीज आपसे शुरुआत करते हैं। मैं पूनम कपूर इंटरनेशनल इनर वीव की 311 की पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूं। कानपुर ईस्ट इस पूरे एसोसिएशन का एक बहुत सुंदर जगमगाता सा हीरे की तरह, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहा है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हुई हैं जो मेरे संग बैठी हुई हैं। मैंने 24 साल की उम्र से इनोवील ज्वाइन किया था, अब मैं 72 हूँ और पहले तो इनोवील ने मुझे पाला था और अब चूंकि ये मातृ संस्था है मुझे लगता है कि मैं इनोवील को मातृ बनकर पाल रही हूँ। अदिति शुक्ला इस वर्ष इनोवील की एक बहुत ही सफल, बहुत ही चुस्त और नेक दिल इंसान है। उन्होंने अपना ये साल व्यस्त जीवन के कुछ पलों को निकालकर अच्छी तरह निभाया है, उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ। उनका चूंकि अब विगत वर्ष में भूतपूर्व होने जा रही है इसलिए मैं सूरज हूँ, डूब भी गई तो शफक छोड़ जाऊंगी और अगर चमकती रही तो आकाश छोड़ जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब प्लीज आप अपना इंट्रो दीजिए और बताइए क्या खास है आपके इनर वील क्लब की इस दौरे का। प्लीज मैं मंजू बांगर इनोवी क्लब डिस्ट्रिक्ट 311 की पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और इनोवी क्लब कानपुर ईस्ट की चार्टर सेक्रेटरी भी हूँ। वर्ष 1981-82 में हमने इस क्लब की शुरुआत की और आज 36 साल हो रहे हैं हमारे इस क्लब को और अपने स्तर से मैत्री और सेवा के उद्देश्यों को लेकर हमारा इनोवी क्लब कानपुर ईस्ट बहुत जोर शोर से काम करता आ रहा है। मुझे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण याद आ रहा है कि किसी ने पूछा उम्र और ज़िंदगी में क्या अंतर है, तो जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वो ज़िंदगी है और इनर व्हील में आकर यही सुंदर सी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ और हमेशा अपनी फ्रेंड्स के साथ जीती रहूँगी और अपने सेवा कार्यों के द्वारा हमारा क्लब एक ऐसी छाप केवल कानपुर शहर में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनर व्हील में बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारी प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब कानपुर ईस्ट की अदिति शुक्ला, जिसने बहुत सुंदर सुंदर काम किए। नेकी की दीवार शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हमारे इनर व्हील क्लब कानपुर ईस्ट ने अपने इस सत्र के प्रारंभ में ही की और आज उसका बहुत बड़ा फायदा स्लम एरियाज के बच्चे उठा रहे हैं और एक बहुत सुंदर ऐसी सेवा योजना है। टॉयलेट्स जो ब्लॉक इन्होंने बनवाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह के सुंदर सुंदर कार्य करते हुए अदिति हमारे इनोवी क्लब कानपुर ईस्ट की शान बन गई है, पहचान बन गई है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। अब दूसरी कड़ी में मैम अपना इंट्रो बताएंगी, बताएंगी क्या फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में, जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें हमें ये देखना होता है कि हम लोग उसमें कैसे ऑब्टेन करके, क्योंकि विदाउट ऑब्जर्वेशन वी कांट डिफाइन द रिजल्ट। अगली कड़ी में मैम बताएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में क्या खास है इनर व्हील की सारी अंदर की चीजें। मैम सुमन खन्ना डिस्ट्रिक्ट 311 की पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और शादी के तुरंत बाद ही मैं इसकी मेंबर बन गई। इसमें सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को जब हम पीडीसी हो जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कौन सा क्लब क्या कर रहा है और क्या नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत से क्लब हैं और ये विश्व की शायद फर्स्ट संस्था है जितने इतने मेंबर्स हैं और जो कि सेवा और मैत्री दोनों में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है।
और इन कार्यों को जब हम लोग पीडी से होते हैं तो विभिन्न शहरों में और विभिन्न क्लबों में जाके हम वॉच करते हैं कि कौन क्या कार्य कर रहा है। और जब इसमें हम तीन चार हमारे ऐसे एपिसोड होते हैं जिसमें कि हम सब मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट के और भी रैली होती है, इंटर सिटी मीट होती है, ISO मीट होती है, उसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, उसमें कल्चर प्रोग्राम होते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि क्या कैसे कार्य हो रहे हैं। उनमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा क्लब क्या कार्य कर रहा है, फिर हम उसको उसी हिसाब से प्रोत्साहित करते हैं और एंड में हम अवार्ड्स भी देते हैं उसके लिए, जिसमें हमारे ईस्ट ने हर बार बहुत से अवार्ड्स जीते, क्योंकि सेवा के लिए हम लोग सब उत्साहित रहते हैं। और मैत्री में भी, मैत्री के एपिसोड में ये होता है कि जितने अधिक मेंबर्स रैली, इंटरसिटी या असेंबली में जाते हैं तो उसका एक मापदंड लिया जाता है, और उसमें हमारा क्लब हमेशा अग्रगण्य रहा है और सेवा में भी कोई कमी नहीं रही। जैसा कि अदिति ने बहुत से अवार्ड्स यहाँ पड़े हुए आप देखेंगे इसने प्राप्त किए हैं, इसने बहुत सी सेवाएँ की हैं, मगर ये सेवाएं अकेला प्रेसिडेंट नहीं करता, अपने सदस्यों को लेके करता है। और उसमें क्योंकि हमारे इस ईस्ट में बहुत सी PTC हैं और उसका बेनिफिट हमारे मेंबर्स को, हमारी आने वाली या जो होने वाली प्रेसिडेंट होती है उसको प्राप्त होता है। इसके साथ ही मैं अपना ये और इसके बाद मैं कहूंगा कि अदिति जी कुछ शब्द बोलें और बताएं कि उनको इन सारी इतने अच्छे अच्छे लोगों का समाज में ऐसे लोग हैं जो दायित्व निभा रहे हैं, अदिति जी कुछ शब्द बोलें और बताएं अपने बारे में। आकाश, मैं पहले विनोद जी को इनर व्हील क्लब ऑफ ईस्ट ने मुझे बहुत पहचान दी है, लेकिन इनर व्हील क्लब ऑफ ईस्ट में मैं हूँ अगर किसी की वजह से तो वह है मेरी मित्र मनीषा, क्योंकि अगर ये मुझे इंट्रोड्यूस ना कराती तो शायद मैं इस क्लब में ना आती, और इस क्लब में ना आती तो मैं इतने सारे अच्छे लोगों से तो मिल ही ना पाती। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले मनीषा को, उसके बाद मेरी सारी PTCs को, और उसके बाद मेरे सारे मेंबर्स को जो मुझे इतना सारा प्यार करते हैं, क्योंकि आकाश में गलतियाँ बहुत करती हूँ और इतनी गलतियों के बाद भी सब मुझे माफ़ करते जाते हैं और मेरे साथ चलते जाते हैं। तो मैं बहुत 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 लकी हूँ इस मामले में कि बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। मैं चाहती हूँ विनोद जी को भी सुने, बहुत अच्छा कुछ बताएंगे। तो ये थी हमारे साथ इनर व्हील क्लब ऑफ कानपुर की मेंबर, जिन्होंने दो अहम अहम मुद्दों पे बताया क्या खास सारी चीजें होती हैं। इसी साथ आकाश इंडिया लाइव TV स्वरूप नगर कानपुर।